अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्रेड से बनने वाली एक नई तरह की मिठाई सिखा रही हूँ। आज हम ब्रेड से चमचम बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं, और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन सकते हैं, वो भी घर में। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप हम दूध ऐड करेंगे। ब्रेड से चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप दूध लिया है, एक स्पून चीनी ऐड करेंगे, आधा कप हम मिल्क पाउडर का लेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, नीडो का ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है वो ले सकते हैं। इसका हम खोआ तैयार करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये तय से ना लगे। इसको हम एकदम खोआ बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं खोआ हमारा तैयार हो गया। फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 8 से 10 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं, जिनके मैंने ये कॉर्नर्स उतार लिए हैं। अब हम इनको इस तरीके से मिक्सी में डालकर छोटा छोटा कर लेंगे। अब हम एक गिलास दूध का ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड और दूध को हमने ग्राइंड कर लिए, इसको हम एक कढ़ाई में डालेंगे। अब हम इसकी गाढ़ी सी डो बना लेंगे, इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये बैटर हमारा जले ना। 2 स्पून हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे ताकि टेस्ट जबरदस्त हो जाए। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पैंदा ना छोड़ दे। ये देखें एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखें इसने बिल्कुल कढ़ाई का तल्ला छोड़ दिया है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चमचम बनाने के लिए अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। 1 कप हमने पानी लिया है, आधा कप हम चीनी ऐड करेंगे, 2 अदद इलायची। इसको हम बॉईल आने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसको बॉईल आ गए। अब हम इसको साइड पे करेंगे, तब तक हम चमचम तैयार करेंगे। हाथों में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। आप शेप कोई सी भी दे सकते हैं। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। अब दोबारा से हमने चूल्हा ऑन कर लिया, चाशनी को हम गरम करेंगे। अब हम इसके अंदर चमचम डाल देंगे। इसको ऊपर हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। 5 मिनट हमने चमचम को चाशनी के अंदर पका लिए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसको चाशनी के अंदर हम इसको ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको ठंडा कर लिए। अब हम इसे चाशनी के अंदर से निकाल लेंगे। हमने जो खोआ तैयार किया था वो अच्छे से ठंडा हो गया। जरा सा हम पिंच हम इसमें फूड कलर येलो डालेंगे। आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं ताकि इसमें प्यारा सा कलर आ जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हल्का सा ऑयल हाथों पे लगाएंगे। जो हमने खोआ तैयार किया था इसकी हम लंबी लंबी स्टिक तैयार कर लेंगे इस तरह। इसी तरह ये हम सारी बना लेंगे। खोए की ये स्टिक बना लिए, ये नारियल का बुरादा लिया है और ये टूटी फ्रूटी। अब हम इसके फिलिंग करेंगे। इसको हम इस तरीके से दरमियान में नाइफ की मदद से कट करेंगे इस तरह।
ऊपर से हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे इस तरह। अब नारियल के बुरादे के अंदर हम इसको कोट करेंगे इस तरह। अब टूटी फ्रूटी से हम इसकी गार्निश करेंगे इस तरह। इसी तरह ये हम सारे तैयार कर लेंगे। आप देख लें ब्रेड की मिठाई यानी चमचम तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और अपने घर वाले को इस स्वीट स्वीट मिठाई से एंजॉय करवाएं। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।